हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल आउटलुक टॉक्स। तो गाइस, आज भी मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी एंड गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ जोशी व्लॉग के बारे में। तो सौरभ जोशी फाइनली आज एक टॉपिक के बारे में खुल के बात किए, वो है अबाउट हिज एक्सपोज्ड वीडियो एंड बैड एक्सपीरियंस। अगर आप लोग उनके व्लॉग्स देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मोस्टली वो अपनी लाइफ के सारे पॉजिटिव थिंग्स दिखाते हैं, बट आज वो बात किए ऑल दोस बैड एक्सपीरियंस जो उनके एंड उनकी फैमिली के साथ होता है। फर्स्टली उन्होंने कहा कि उनके अगेंस्ट बहुत सारे फेक एक्सपोज्ड वीडियो बनते हैं, उनको एटीट्यूड किंग, घमंडी ये सब बोला जाता है। ये सब वीडियो कौन बनाते हैं इनके बारे में वो बात किए, एंड ऑल्सो वो कहे कि उनको डर भी लगता है किस चीज से, आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। आप देखे होगी काफी वीडियोज वायरल हुए मेरे बारे में, जो मतलब क्रिएटर्स हैं वो वीडियोज बना के जाते हैं, मेरे सोसाइटी के बाहर आते हैं, मैं जाता हूँ मिलता हूँ उनसे, तो वो कुछ भी वीडियो बना देते हैं, कुछ भी नेगेटिव वीडियो कि मैं अच्छे से नहीं मिला, मेरे अंदर एटीट्यूड है, क्योंकि उनको थंबनेल तो मिल जाता है मेरे साथ में। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जो लोग पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं ना, जो अच्छे से मिल के जाते हैं, जो लोग परमिशन लेके शूट करते हैं, उनकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होती, उनको कोई नहीं देखता। लेकिन कोई ये लिख देगा ना टाइटल में, सौरभ जोशी ने मेरे साथ में ऐसा किया, सौरभ जोशी ने ये बोल दिया, सौरभ जोशी ने एटीट्यूड दिखाया, सौरभ जोशी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, उनकी वीडियो मतलब वायरल जाती ही जाती है। पॉजिटिव वीडियो किसी की वायरल नहीं जाती, तो एक बंदे की गई तो वो सारे देखते हैं कि हाँ यार अब पॉजिटिव तो जाते नहीं है, कुछ भी बना के डाल दो। एक्चुअल में किसी को कोई हेट नहीं, एक्चुअल में मैं जैसा हूँ मुझे पता है मैं कैसा हूँ, सबको व्यूज़ चाहिए इसीलिए कुछ भी वीडियो डाल दे रहे हैं। मेरे को पता है सोसाइटी से बाहर जाने में डर लगता है, मतलब कि कोई कैमरा ले खड़ा होगा किसी का, मतलब फ़ोन में वीडियो ऑन होगी, मेरे को एक्चुअल में डर लगता है। पीयूष ना एक्चुअल में डरा हुआ है, पास्ट में भी कुछ दिनों में उसके साथ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लाइक एक ने उसकी ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे कर दिया, एक ने भीड़ में उसके ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मरोड़ दिया, एक ने उसको ऐसे खींच, एक ने उसको ऐसे कंधे पे उठा लिया जबरदस्ती। आप उसको देखते हो, आप वीडियोस देखते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको एकदम उठा के ऐसे कर लोगे या फिर उसके गर्दन ऐसे पकड़ लोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो एक्चुअल में रोने लग गया था। सोसाइटी के बाहर लड़के वड़के आ जाते हैं, उल्टा सीधा गाली वाली देने लग जाते हैं, कुछ दारू पी रहे हैं, मतलब मेरे को भी तो सोसाइटी वाले बोलेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को तो निकाल देंगे यहाँ से। मम्मी छत पे खड़ी कपड़े सुखा रहे, कोई बाहर आके मम्मी को गाली दे रहे, पापा को गाली दे रहे, तो मेरे मम्मी पापा भी भोले से, उनको भी डर लगता है। प्लीज़ मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये सब चीजें मत। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि उनका एक Q&A वीडियो आने वाला है, जिसका एक प्रोबेबली डेट उन्होंने बता दिया है, आप खुद सुन लीजिए। सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? मोस्ट प्रोबेबली 10 से 10 से 12 के बीच में आ जाएगी हमारी Q&A वीडियो, मतलब प्लानिंग तो यही है। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो आपको पता होगा कि जोगिंदर एक डिस्ट्रैक निकालने वाले हैं कैरी मिनाटी के अगेंस्ट, बट इंटर्न्स आउट टेक कार्स करके चैनल पर एक लीक्ड फुटेज वीडियो अपलोड हो गई इस म्यूजिक वीडियो की। कुछ पार्ट्स मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं अमित बढ़ाना के बारे में। तो आपको पता होगा अमित बढ़ाना LLB जो फिल्म आया है उसका पार्ट 1 वो कल रिलीज कर दिए हैं। इसमें बहुत सारे स्पैम कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो यह कहे, एक्शन में आ गए स्पैमर भैया, इनसे बचा लो यार कैसे भी करके, एक अच्छा सा कमेंट आप ही कर दो ताकि इनके कमेंट कहीं जाके दब जाएं, बड़ा परेशान कर दिया यार। मैं जेन्युइन कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ, कभी कुछ एक सेम कमेंट बार बार आ रहा है, तो भाई जाओ यार कमेंट करो और इनसे बचाओ मुझे। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं बेरोजगार वर्सेस मनोज दे के बारे में। तो करीब एक महीने पहले बेरोजगार अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे अगेंस्ट मनोज दे, जहां पर वो 4-5 पॉइंट उठाए थे उनके अगेंस्ट, लाइक एलिजेटली डूइंग फेक ऐप प्रमोशन, गलत टिप्स देना यूट्यूब के बारे में एंड मोर थिंग्स। उसके बाद मनोज दे अपने चैनल पर इनडायरेक्टली एक वीडियो अपलोड किए इसी टॉपिक पर, एंड उन्होंने फेक ऐप प्रमोशन वाला जो पॉइंट था उसे उठाकर रिप्लाई दिया। तो आज फिर से बेरोजगार उनको रिस्पोंड करते हुए एक वीडियो अपलोड किए, एंड इसमें वो क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। और अब देखो कि ये डेढ़ शाना खुद की सफाई देने के लिए पूरे वीडियो को कैसे घुमा देता है। तो कुछ दिनों से एक टॉपिक पे काफी ज्यादा वीडियो बन रहा था, मैंने सोचा क्यों ना इस पे रिएक्ट किया जाए। लाइक एक टॉपिक ये उठा हुआ है अभी कि मनोज दे फेक एप्लीकेशंस को प्रमोशन करता है, मनोज दे फेक है, मनोज दे एक्सपोज करके और इसी टॉपिक को मुद्दा उठाए रखते हैं कि मनोज दे फेक एप्लीकेशंस को प्रमोट करता है। सुन मेरी बात, मैंने ना अपने वीडियो में पूरे 5 पॉइंट रखे थे, जिसमें से तू एक पॉइंट को लेकर बोल रहा मुझे फ्रॉड और स्कैमर बोला। नहीं, खाली 2 नंबरी ऐप प्रमोट करने के लिए तुझे फेक और फ्रॉड नहीं बोला था, तू यूट्यूब टिप्स के नाम
पे लोगों को फेक ट्रिक्स देता है और जाके बोलता है कि स्पैम कमेंट करो। पुराने वीडियो में बोला था, अभी बार बार बोलूंगा, लोग बोलेंगे वॉच टाइम के लिए कर रहा, लेकिन फिर भी तू ऐसे प्रिटेंड कर रहा जैसे मेरे 10 मिनट के वीडियो में तूने कुछ देखा ही नहीं। और यह मत बोलना कि तूने देखा नहीं, तू खुद बोलता है कि मैं वैसे वीडियो देखता हूं। मेरे ऊपर में भी जो एक्सपोज रोस्ट ये वो वीडियो बनता है, मैं काफी ज्यादा उन वीडियोस को देखता हूं। देखता हूं गाइस, लेकिन एक ही पॉइंट देखता हूं, बाकी सारे पॉइंट तो मैं इग्नोर कर देता हूं, है ना। बाकी फुल वीडियो के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप खुद जाकर देख सकते हो। तो चलिए एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्यूडीपाई के बारे में। तो फाइनली प्यूडीपाई मेड हिज कमबैक एंड एज यू कैन सी मिस्टर बीस्ट इज कमिंग क्लोज टू प्यूडीपाई नाउ। तो क्या इनके बीच में कंट्रोवर्सी होने वाला है पॉसिबली या डिस्ट्रैक, इसके बारे में बात करते हुए प्यूडीपाई यह कहे। When you realize the next enemy of Subscribe Wars is going to be Mr. Beast, I guess I'm going to have to start my next drama with Mr. Beast. Diss track coming. No, I'm joking. I'm not going to do it. Also, आपको याद होगा, Jack Sucks at Life PewDiePie का 100 million red diamond button खरीद लिए थे, जिसको gift किया गया था। तो इसको ऊपर react करते हुए PewDiePie कुछ यह कहे। This English YouTuber called Jack Sucks at Life bought both the 100 mil play button and the box, finally reunited them together. Yeah, so apparently Lizard sold his, which... You know, he could have hung on to it a little longer. I mean, I didn't expect him to keep it forever, but I think it's fair enough. I don't really. तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।